हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। तो गाइस, आज मैं आपके साथ सीए फाइनल का SFM पेपर को एनालाइज करने जा रहा हूँ, जो कि आज 4 मई 2018 को हुआ है। तो उसको मैं आपके साथ एनालाइज करना चाहता हूँ। आई होप आप सब लोगों का पेपर भी बहुत अच्छे से गया हो, लेकिन आज का पेपर बहुत थोड़ा ट्रिकी था, लेंदी भी था कह सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानी हुई थी, ख़ास तौर से जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको टैकल करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो गाइज, मैं उसको आज आपके साथ एनालाइज करने जा रहा हूँ, और आई होप आप सब लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से गया हो, आप लोग अच्छे नंबर से पास हों, जल्दी से सीए बने। एंड तो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द एनालाइजेशन पार्ट, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ गाइज, अगर आपने मेरा वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइज़, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ। और प्लीज़ गाइज़, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टू माई वीडियो वो आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइज़ वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब हम आज सीए फाइनल SFM का पेपर एनालाइज करने जाते हैं। ओके गाइज, जस्ट हैव अ लुक। और गाइज, मैंने SFM का पेपर की सॉफ्ट कॉपी नीचे ड्रॉप बॉक्स में आपको दे रखा है लिंक, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसकी थ्योरी वगैरह उसके आंसर भी मैंने नीचे लिंक में दे रखे हैं, तो आप वहाँ लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली देख सकते हैं। ठीक है गाइस, फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट टू एनालाइज पार्ट। ओके गाइस, ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना एनालाइज पार्ट। तो जो आज का पेपर था SFM, उसका कोड है AMT, एंड क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप जानते हैं 1 कंपलसरी है, और बाकी रिमेनिंग आपके जो 6 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट्स करने होते हैं, एक की चॉइस होती है गाइस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये बेसिकली फॉरेक्स चैप्टर से आया था, लेकिन इसका गाइस कोई सोर्स नहीं मिला, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन था ये, ना PM से, ना स्टडी मैट, किसी से भी, कहीं से भी, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आया था गाइस ये फॉरेक्स का, पहले का ए पार्ट। बी पार्ट देखें गाइस, तो ये आपका कैपिटल बस्टिंग से था, लेकिन ये अगर आपने एक बार अच्छे से, इसका भी कोई लिंक नहीं मिला मुझे, लेकिन आपने एक बार इसको अच्छे से डीपली स्टडी कर रखा है, एनालाइज कर रखा है चैप्टर को, तो आप ये इजीली कर सकते थे, क्वेश्चन इजी था। इसमें वेरियंस पूछ रखा था, स्टैंडर्ड वेरियंस निकालना था, कोवेरियंस, और दोनों प्रोजेक्ट में से बताना था कौन सा ज़्यादा रिस्की है, तो ये क्वेश्चन तो ईजी था गाइज। सी पार्ट आया था गाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस से, इसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडिट पूछा था, ये भी गाइज इसका भी कोई सोर्स नहीं मिला मुझे, और ये भी क्वेश्चन नया था, लेकिन ये भी अगर आपने अच्छे से एक बार कर रखा है चैप्टर तो आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते थे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट का डी पार्ट था, ये आपका बेसिकली म्यूचुअल फंड से था, ये भी नया क्वेश्चन था, इसमें फ्रंट एंड लोडिंग पूछा था और बैक एंड लोडिंग पूछा था। क्वेश्चन सेकंड के पार्ट ए की अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी एनालाइज चैप्टर से आया था, बॉन्ड्स चैप्टर से आया था, जो कि प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 52 की तरह ये क्वेश्चन था, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, इसमें ये पॉइंट्स दे रखे थे, उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स थी, उसको करना था। ये भी गाइज अगर आपने अच्छे से एक बार चैप्टर कर रखा है तो आप इजीली कर सकते हो ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट देखें तो ये आपका म्यूचुअल फंड से आया था, और ये भी क्वेश्चन इजी था, ये भी क्वेश्चन नंबर 23 PM की तरह था सेम, इसमें भी आपको ये रिक्वायरमेंट के 4 पॉइंट दे रखे थे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, NPV निकालना था, टोटल ईल्ड निकालना था, नंबर ऑफ़ डेज निकालना था। ये भी क्वेश्चन गाइस बहुत ईजी था, अगर आपने अच्छे से कर रखा है एक बार अपनी बुक से, स्टडी मैट से, या अपनी टीचर की रेफरेंस बुक से, तो आप कर सकते हो इसलिए उसको। क्वेश्चन थर्ड देखें गाइस, तो ये फॉरेक्स से आया है, क्वेश्चन नंबर 57 PM, सिमिलर टू क्वेश्चन 57 PM का था,
ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसमें भी 6 रिक्वायरमेंट दी क्वेश्चंस की। अगर आपने अच्छा से एक बार फॉरेक्स पढ़ रखा है तो आप इसको टैकल कर सकते थे। क्वेश्चन थर्ड के बी पार्ट की बात करें तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज चैप्टर से आया था, एक छोटा चैप्टर है तो बेसिकली स्टूडेंट छोड़ कर जाते हैं, उसमें से ये आया था। और ये सेम क्वेश्चन था, जस्ट लाइक सिमिलर क्वेश्चन पीएम का, क्वेश्चन नंबर 11 सेम ही था एक तरीके से। तो ये भी इजी था, अगर आपने फैक्टरिंग वगैरह कर रखा है तो आप इजीली, फैक्टरिंग चैप्टर कर रखा है आपने तो इसको कर सकते थे। फैक्टरिंग का पूछा था इसमें, वायबिलिटी पूछी थी फैक्टरिंग की, कि भाई आपको फैक्टरिंग कराओगे उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या आप इन हाउस मैनेजमेंट अपना खुद ओन करते हो तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो वायबिलिटी पूछी थी इसमें। ये भी इजी था क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो कर सकते थे। गाइस क्वेश्चन नंबर 4th की बात करें ए पार्ट की, तो ये पोर्टफोलियो से आया था, ये भी सिमिलर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34 पीएम का, बिल्कुल सेम ही ऐसा पीएम में दे रखा है, बस थोड़ा सा थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत चेंज कर रखा है, वरना सेम ही क्वेश्चन है। अगर आपने वो पीएम का क्वेश्चन करिए होगा करा होगा तो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। अब बात करता हूँ क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, ये है आपका डिविडेंड चैप्टर से आया था, ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन था, और ये पीएम का क्वेश्चन नंबर 21 था, तो आपने गाइज ये क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन 5th की बात करें ए पार्ट की, तो ये लीजिंग का आया था, लीजिंग चैप्टर से, और ये भी पीएम का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 16 की सिमिलर। इसमें जो था डेप्रिसिएशन वो SLM की बजाय WDV पर दे रखा था, रिटन डाउन वैल्यू पर, तो इसमें गाइज यही न्यू पॉइंट था WDV वाला, और इसमें मिनिमम एनुअल लीज रेंटल पूछा था। क्वेश्चन 5th के बी पार्ट की बात करें तो ये इंडियन ऑपरेशनल इंडियन कैपिटल मार्केट से आया था आपका, तो ये क्वेश्चन था पीएम का 76 की तरह था ये क्वेश्चन। ये भी आपने अगर गाइस अच्छे से कर रखा हो तो ये भी क्वेश्चन ठीक था, कर सकते थे आप। इसमें बोनस रेशियो पूछा था कि भाई प्रमोटर्स होल्डिंग के बाद जो होल्डिंग्स 75 रिस्ट्रिक्ट कर रखी थी, उसके बाद बोनस रेशियो निकालना था, बिफोर इशू क्या प्राइस था मार्केट का, और आफ्टर बोनस इशू करने के बाद क्या था, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पूछा था आफ्टर इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट की बात करते हैं, तो ये मर्जर एंड एक्विजिशन से आया था, और ये गाइस थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था ये भी, इसका मुझे कोई लिंक नहीं मिला, सोर्स इसका कोई नहीं मिला मुझे, ये भी थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन था, थोड़ा न्यू था थोड़ा हटकर। आप देख सकते हैं इसमें 4 पॉइंट्स पूछे थे, स्वैप रेशियो पूछा था, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं वीक बैंक को, और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर मर्जर, और CAR और ग्रॉस NPA निकालना है आफ्टर मर्जर। 6 का बी पार्ट देखें तो ये मनी मार्केट ऑपरेशन से आया था, और ये भी सेम क्वेश्चन था प्रैक्टिस मैनुअल का, क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपने करा होगा तो आप इजीली इसको कर पाए होंगे। लास्ट क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, 4 अटैम्प्ट करने थे, एक की चॉइस थी, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आया था इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये चैप्टर 1st से आया था, फाइनेंशियल पॉलिसी और कॉरपोरेट मैनेजमेंट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 था डिटो पीएम का, और बी पार्ट की बात करें नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो एंड लॉरो अकाउंट, ये क्वेश्चन नंबर 4th था पीएम का, फॉरेक्स चैप्टर से आया था। और सी पार्ट की बात करें तो इसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस पूछा था, ये फाइनेंशियल सर्विस चैप्टर का था। एंड डी पार्ट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स पूछे थे इंटरनेशनल फाइनेंस के, ये FDI चैप्टर से आया था। एंड ई पार्ट देखें तो ये स्ट्रेडल्स एंड स्ट्रेंगल्स आया था, ये इंडियन कैपिटल मार्केट से आया था। तो गाइस इन जो 7th पोर्शन है इसके मैंने थ्योरेटिकल पार्ट के सॉल्यूशन भी अपने ड्रॉप बॉक्स के लिंक में दे रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय वीडियो एंड वॉचिंग माय वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।